नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। आज होगा पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब में इस साल होने हैं चुनाव। अखिलेश और मुलायम के बीच पर्दे के पीछे से सुलह कराने की कोशिशें जारी। आजम बोले, कुछ भी करके करूंगा समझौते की कोशिश। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को बड़ा झटका। यूएई सरकार ने दुबई और लंदन में जब्त की 15,000 करोड़ की संपत्ति। भारत सरकार की पहल पर की गई कार्रवाई। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय की आज कोर्ट में पेशी। कल रोज वैली चिटफंड घोटाले में हुए थे गिरफ्तार। विरोध में आज देश भर में टीएमसी का प्रदर्शन। चार दिन में दूसरी बार शर्मसार हुआ बेंगलुरु। न्यू ईयर पर लड़कियों के साथ हुई बदसलूकी के बाद अब सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई छेड़छाड़ की एक और घटना। सड़क पर स्कूटर सवारों ने किया लड़की पर हमला। 44वें नए चीफ जस्टिस बने न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। और फिजी में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिक्टर पैमाने पर 7.2 रही भूकंप की तीव्रता। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।